नमस्ते एंड वेलकम टू कैंपस वाला। आई एम साक्षी जैन और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया के MBBS प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, उसका कट ऑफ, फीस, सीट्स, सब कुछ। तो वीडियो पूरा देखिए, पर वीडियो शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, ऑल्सो नोन एज GMC दतिया, एस्टैब्लिश्ड इन 2018, यानी कि ये भी काफी नया खुला हुआ कॉलेज है। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉलेज है गवर्नमेंट एंड इट इज एफिलिएटेड टू मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। बात करें अगर रिकॉग्नाइजेशन या फिर अप्रूवल की, तो इट इज अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर हम फीस स्ट्रक्चर या फिर सीट मैट्रिक्स को देखें, तो हम आज बात कर रहे हैं MBBS प्रोग्राम की। कॉलेज में MBBS की 120 सीट्स हैं, जिसमें से 18 सीट्स आती हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर, स्टेट की है 91 सीट्स और अदर सीट्स हैं 11। अगर हम MBBS की फीस को देखें, तो फीस है अराउंड 1,14,000 रुपीज पर ईयर। एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस को देखें, तो एलिजिबिलिटी काफी सिंपल है। स्टूडेंट के 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, और उसका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि काफी ऑब्वियस है। अगर हम कट ऑफ देखें एज पर 2019, तो जो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग एडमिशन था सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, वो था 535 मार्क्स पे। मैं सारे कट ऑफ यानी कि सारे क्लोजिंग एडमिशन के मार्क्स सेकेंड काउंसलिंग के ही बताने वाली हूँ। ओबीसी कैटेगरी के लिए था 527 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी के लिए था 419 मार्क्स पे और एसटी कैटेगरी के लिए था 289 मार्क्स पे। क्योंकि कॉलेज काफी नया नया खुला है, तो इसका बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से कट ऑफ स्लाइटली कम जाता है। तो कॉलेज को खुले हुए 3 साल हो गए हैं और कट ऑफ बढ़ता घटता रहता है, बट आपको इसका कट ऑफ देख के एक स्लाइटली अंदाजा तो मिल ही जाएगा कि आपका एडमिशन होना है कि नहीं होना है। अगर बात करें हम रजिस्ट्रेशन या एडमिशन प्रोसेस की, तो आप दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा MCC की वेबसाइट पे जाके, वो है mcc.nic.in। ऑल इंडिया कोटा की सीट्स 15% होती है, आप उनके लिए इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट सीट्स के लिए अप्लाई करना है, तो आपको MPDME की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है या हेल्प चाहिए रजिस्ट्रेशन में या एप्लीकेशन प्रोसेस में, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी भी काउंसलिंग टीम है, आप उनसे अपना नीड्स को शेयर कीजिए, वो आपको अच्छे ऑप्शंस भी देगी और काउंसलिंग में पूरी हेल्प करेगी। वो सारी चीजें बताएगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपकी पूरे प्रोसीजर में अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे और नए वीडियोस में, तब तक लिए बाय एंड टेक केयर।